नहीं हो पाए हमसे ना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो तुम्हारे दिमाग में भूसा भर के और तुम्हारे टांगे काट के तुम्हारे हाथ में दे देंगे, समझा? समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही हो अम्मा? शहर में बड़े बड़े लोग हमारी इज्जत करते हैं, शहर के लोगों में हमारा रुतबा है। अगर दूसरों के घरों में घुसकर खाना खाएंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग? तो भूल गया जब तू 5 साल का था और तुम्हारे शरीर का विकास नहीं हो पा रहा था, तब यह पंडित जी उपाय बताए थे कि 1 महीने तक तू भीख मांगेगा तब जाके तुम्हारे शरीर का विकास होगा। अब तू 1 महीने तक भीख मांगा था। सम्मान का काम नहीं है जो तुम इतना भूल रही हो। अब वो पुराने बात पे जो है भूसा डालो और ये नया जो उपाय बता रहे हो का एकदम मन से करो ताकि हम अपने पोता पोती का सुख देख पाए। सीता मां जी, पंडित जी हम वादा करते हैं बहुत दिल से ये उपाय करेंगे। हां प्रचोदया ओम ओम आपकी पूजा पूरी। ठीक बा पंडित जी, मतलब अब पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपूर्ण हो गया है? नहीं नहीं भैया, ये तो हमने हवन पूरी की। संपूर्ण पूजा तो तब पूर्ण होगी जब तुम 1 महीने का उपाय पूरा करोगे। तो उसके बाद हमको पोता पोती का मुंह देखने को मिलेगा ना पंडित जी? अरे इतना पोता पोती होंगे ना कि जिन्हें गिनते गिनते तुम गिनती भूल जाओगी। राम कली पंडित जी बहुत बदमाश हो गए हैं। तो भैया हवन के बाद और कौन सा उपाय करना है? तुम्हें 1 महीने दूसरों के घर में खाना खाना। हाँ, पूरे 1 महीने तक दूसरों के घर में खाना खाना है। चाहे वो तुम पर हंसे, दुत्कारे, फटकारे, तुम्हारी कितनी बेइज्जती करे, लेकिन फिर भी घुस कर खाना खाना है। मतलब जो भी शर्मो हया है वो सब उतार के फेंक देनी है। अगर तुम चाहते हो कि हम अपना पोता पोती का मुंह देख कर के दुनिया से जाए तो तुमका ये उपाय करना पड़ेगा, समझे? और बहुरिया तुम्हें अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना है, किसी होटल या रेस्टोरेंट में भी नहीं खाना है, पैसा देकर कतई नहीं खाना, सिर्फ दूसरों के घर में ही खाना है। और इस उपाय के बारे में किसी को नहीं बताना है। ठीक बात, बहुत मुश्किल उपाय है, हमसे ना हो पाए। बहुत मुश्किल उपाय दादा, उस सर ने अम्मा बहुत मुश्किल उपाय है, हमसे ना हो पाया। हाँ थोड़ा नकली लगा मैं। अच्छा अम्मा बहुत मुश्किल उपाय है, हमसे ना हो पाएगा। पगला।